यहाँ के कर्ज देख रहे हो, बिल्कुल पहाड़ों की याद दिला देते हैं भाई। ये देखो, ओ हो, सो लाइट गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए ब्लॉग में। और अभी हम लोग चल दिए हैं एक मस्त शॉर्ट राइड पर। आगे हमारा वैभव इंतजार कर रहा है। ठंड बहुत ज़बरदस्त है और इस ठंड का मज़ा लेने के लिए आज ये राइड की जा रही है भाई। बेसिकली वैभव को एक छोटा सा काम है तो उसके साथ में जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ लेके चलता है वो। काफ़ी टाइम बाद आज हम लोग मोटर ब्लॉक कर रहे हैं और आज हमारी डोमिनार में आज कुछ मॉड्स दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। इन सारे मॉड्स को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कुछ मॉडिफिकेशन अभी होने बाकी हैं बाइक में, तो इसकी एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। क्योंकि इन मॉडिफिकेशन को मैं खुद भी अभी टेस्ट कर रहा हूं, उसके बाद ही मैं आप लोगों को सारे सजेशंस दूंगा कि क्या ये मॉड्स वर्थ हैं और क्या आपको ये स्पेसिफिकेशन करानी चाहिए। तो इनको मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ, इन मॉड्स को। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं बाजपुर रोड पर। और ये रूट जो है हमें एक बाजपुर रूट पर लेके चलेगा और एक शॉर्ट राइड भी हो जाएगी, छोटी सी स्पिन हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हमने इस ईयर का अभी नया मोटो ब्लॉग नहीं डाला है। आज हो चुकी है जनवरी 11 और ये जनवरी का एक पहला ब्लॉग रहेगा अपने चैनल पर। तो जहाँ से अभी हम जा रहे हैं एक शॉर्ट रूट है, हम शहर से बाहर बाहर होके निकल रहे हैं जिससे हम बच्चे की छोटी बाइक, डुअल एग्जॉस्ट में छोटी सी बाइक थी बच्चे की भाई। इन मॉड्स के लग जाने के बाद में यार रिएक्शंस दे रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं यार अपनी डोमिनार को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज हो गई है। और ये आ चुका है एक चौक, यहाँ से अगर हम राइट जाएंगे तो बाजपुर की तरफ चले जाएंगे, बेसिकली रुद्रपुर चला जाता है ये, और लेफ्ट साइड में सिटी में चला जाता है और ये भी सिटी में चला जाता है। तो अभी हम लोग यहीं पर वेट करने वाले हैं, इधर कहीं से जो है वैभव आएगा तो इधर उसका वेट करते हैं। यहाँ हमारे पास है महिंद्रा का शोरूम काशीपुर का, और यहीं पर हमें वेट करने के लिए बोला था वैभव ने, वो भी बस आता ही होगा। उसके बाद हम लोग सीधा आगे की तरफ चलेंगे। वैभव आ चुका है और अब हम लोग निकल रहे हैं। एक्चुअली वैभव को थोड़ा सा काम है, उसको कोई प्लांटेशन वगैरह के लिए ट्रीज वगैरह चाहिए, वही देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और इस रूट पर राइड भी हो जाएगी अपनी। रोड्स तो बहुत बढ़िया हो गई हैं यार, वेदर जो है आज का काफ़ी ठंडा है, हल्की हल्की से धूप निकल रही है लेकिन स्टिल काफ़ी ठंड लग रही है। लेकिन यार ऐसी ठंड में चलाने का मज़ा ही अलग है। और ये जो रूट है सीधा ये रुद्रपुर निकल जाता है, बाजपुर रुद्रपुर इसी रूट से जाते हैं काशीपुर से। ये कहाँ से आ गया भाई, उड़ता उड़ता ये आया हमारे पास, बिल्कुल हमारी जैकेट से मैच करता हुआ, ब्यूटीफुल। तो यहाँ है अपने काशीपुर का डिग्री कॉलेज, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, बहुत ही पुराना डिग्री कॉलेज है। मेरे राइट में देख सकते हो आप, अब अपनी डोमिनार बिल्कुल गर्म हो चुकी है और गर्म होने के बाद में इसका साउंड बहुत ही ज़बरदस्त आता है। यार विंडशील्ड लगाने से मुझे काफ़ी इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि जो डायरेक्ट विंड ब्लास्ट था वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। इस विंडशील्ड को मैं जो है थोड़ा हाइट पे भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन फिर क्या होगा ना, फिर यार मेरे मोटर ब्लॉक का व्यू ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने इस पोजीशन पर इसको फिट किया है। आप लोग बताना कि ये सेटअप अब कैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ हमने हैंड गार्ड भी इंस्टॉल कर दिए हैं, इसमें कौन से हैंड गार्ड है, कौन सी विंडशील्ड मैंने इंस्टॉल की है, क्या इनकी यूटिलिटी है, वो सारी चीज़ों को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे और पूरी बाइक का आपको मैं लुक दिखाऊंगा। अभी मैं इस चीज़ को आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल कराई हैं। अभी काफ़ी कुछ आना बाकी है यहाँ पर, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन की है मैंने, कुछ सामान अभी ऑर्डर कर रखा है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ जब आएगा कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा मैं। अभी हम घूमते घूमते पहुंच चुके हैं IGL के कैंपस के सामने, इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड, और ये काफ़ी पुरानी इंडस्ट्री है हमारे काशीपुर की, केमिकल प्लांट है ये, काफ़ी रिनॉन्ड केमिकल प्लांट है। और ये इसके कैंपस है और इधर सब खेती बाड़ी होती है।
और आगे हमारे लिए आ गया एक रेलवे ट्रैक, और ये रेलवे ट्रैक निकलता है सीधा हल्द्वानी के लिए। काशीपुर से हल्द्वानी निकलता है ये रेलवे ट्रैक, इधर हल्द्वानी पड़ता है और इधर हमारा काशीपुर पड़ता है। अंकल ये नर्सरी होगी क्या? नर्सरी तो ये आलू फार्म नर्सरी आप छोड़े आए हो। कौन सी वाली लाइन पार से उधर? अब हमें वापस जाना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि हम पीछे छोड़ आए हैं। वही बता रहे हैं वही। ओहो हम लोग पहुँच चुके हैं नर्सरी पे और काफ़ी अच्छी व्यू दिखाई दे रहा है भाई यहाँ से। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ मिल पाती है हमें यहाँ पर। तो भाई कुछ ऐसा लुक आ रहा है अपनी बाइक का, और ये वाले हैंड गार्ड्स और ये वाइज़र हमने इस पर इंस्टॉल किया है और कुछ इस तरीके का लुक दे रही है। कौन से हैंड गार्ड्स हैं, क्या इसकी यूटिलिटी है, ये कैसे मैंने फ़िट किया, सारी चीज़ें मैंने अपने आप ही इंस्टॉल की हैं इसमें, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा एक सेपरेट वीडियो में इसको। तो फ़िलहाल हम देखते हैं जिस काम के लिए आए थे। यहाँ पर डोमिनार खड़ी है वैभव की ग्रीन कलर में, और अपनी डोमिनार्स भी ज़बरदस्त लग रही हैं इस लोकेशन पर। चलते हैं फिर यहाँ से, क्योंकि ये मौसम जो है बोलते हैं इस मौसम में ये पेड़ नहीं लगाए जाते क्योंकि वैभव को फ्रूट्स के पेड़ चाहिए थे, जो फ्रूट्स ट्री होते हैं जैसे लीची हो गया आम हो गया, तो ये लोग बोल रहे हैं वो बरसात यानी कि रेनी सीज़न में मिलते हैं, उस समय पर वो प्लांटेशन किया जाता है। तो चलते हैं फिर यहाँ से अभी, और यहाँ से अभी चलेंगे हम सीधे महिंद्रा के शोरूम। जिस काम के लिए बनाए थे वो हमने अभी वो वैभव का पूरा नहीं हो पाया। अब निकलते हैं अब यहाँ से। बाइक के लुक्स यार बहुत ज़बरदस्त और एग्रेसिव हो गया है। जो लोग हैं वो बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शंस दे रहे हैं, अपने बाइक को पूछ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा। वैभव को भी काफ़ी पसंद आई बाइक यार, जो मॉड्स हमने करवाए हैं वो काफ़ी अच्छे लगे वैभव को भी। आगे कर्ज देख रहे हो, बिल्कुल पहाड़ों की याद दिला देते हैं भाई ये है देखो। ओ हो राइट गाइस, मिलेंगे अब आप लोगों से एक नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और नए मॉडिफिकेशंस के साथ में अपने डोमिनार के। तब तक के लिए बाय बाय।